देखो इसका क्लास आज है टोटल ऐसे क्लास कितना ये क्लास थ्री, ठीक है क्लास है थ्री, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में इसका क्लास है टू। तो ये सब हम पढ़ चुके थे एंड स्टार्ट कर दिया तुमने मोबाइल। चलो कहाँ तक पढ़े थे, सैचुरेटेड कंसंट्रेटेड तो पढ़ लिए थे। हम लोग को पढ़ना था सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड भी हम कल पढ़ लिए थे। सैचुरेटेड किसको बोलते थे कि इतना वो घुला ले अपने अंदर कि बाद में घुला ले लाइक वो बच्चे ने कि बाद में दूसरे चीज को और वो घुला ना पाए तो उसको हम लोग क्या कहते थे सैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड तो बोलता था जैसे यहाँ पर बोले थे एग्जाम्पल था कल का कि 30 डिग्री पे 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम 55 ग्राम अगर अल्कोहल को क्या करते हैं उसमें उसको घुलाते हैं अल्कोहल को या फिर NaCl को ये साल्ट को घुलाते हैं 100 ग्राम वाटर में तो फिर से अगर हम 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा साल्ट देंगे ना तो नहीं घुल पाएगा यानी वो सॉल्यूशन क्या कहला जाएगा सैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर जितना वो घुला ले अपने अंदर सॉल्यूशन कर ले और उसके बाद वो दूसरे चीज को और फिर ना घुला पाए तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। लेकिन सैचुरेटेड में ही अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं रहा तो टेम्परेचर बढ़ाने से हो सकता है कि सोलुबिलिटी बढ़ जाए। जब सोलुबिलिटी बढ़ जाएगा तो अब उसमें एक ज्यादा भी नमक उसमें घोल सकते हैं या कुछ और भी सॉल्यूट को घुला सकता है। लेकिन ये ऐसा कब करेगा जब उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब। तो ये जब टेम्परेचर बढ़ा ही देंगे तो क्या वो तुम्हारा सैचुरेटेड कहलाएगा फिर वो क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड बताए थे ये भी चीज कि अगर ऐसा हो को मान लो कि सैचुरेटेड अगर है और सैचुरेटेड है और हम टेम्परेचर को कम कर देंगे, कम करेंगे मतलब कि क्या करें उसको ठंडा कर रहे हैं तो ठंडा करने के बाद वो फिर भी सैचुरेटेड में ही बना रहेगा क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा जम जाएगा या चीज उतना चीज बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकल जाएगा तो बचा हुआ चीज या तो क्या कर रहा है बचा हुआ चीज है वो भी तुम्हारा सैचुरेटेड रहेगा और जो बच गया था एक्सेस था वो बाहर निकल जाएगा और डिपॉजिट किसके रूप में हो जाएगा क्रिस्टल के रूप में। तो कल बताए थे एक बार कि सॉलिड के दो फॉर्म होता है, कौन कौन से फॉर्म होता है क्रिस्टल और अमॉर्फस। क्या तो बोलो सॉलिड के फॉर्म कौन कौन होता है अमॉर्फस, कौन होता है क्रिस्टल और अमॉर्फस, क्रिस्टल और अमॉर्फस। क्रिस्टल में क्या होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है और अमॉर्फस हार्ड नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में बताए थे कि बेकेलाइट क्या है हार्ड है और जब हार्ड है तो क्या होगा क्रिस्टल होगा। लेकिन यही चीज अगर रबर ले लेते हैं तो क्या मिलता है सॉफ्ट यानी कि वही क्या हो जाएगा अमॉर्फस। याद रख लेना कहीं पे मेंशन कर लिया करो कॉपी में कि क्रिस्टल जो यहाँ पर है ये क्रिस्टल है क्या तो दिस इज टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। एक इसका टाइप्स तुम्हारा दिखेगा सॉलिड का ये जो क्रिस्टल दिख रहा है ना ये है क्या तो एक तरह का सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड कितने प्रकार का दो प्रकार का क्रिस्टल और अमॉर्फस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। अनसैचुरेटेड तो पहली बात है कि वैसा सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड नहीं है वो क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड। मतलब कि ऐसा बात हो जाए कि एक सॉल्यूशन है मान लो कांस्टेंट टेम्परेचर भी ले थोड़ा सा सॉल्यूशन कर मतलब उसको घोल दिए फिर और घोल दिए घोलते जा रहे कभी वो एक तरह से कांस्टेंट नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे अनसैचुरेटेड। तो कह रहा है व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल से अगर कम सॉल्यूट प्रेजेंट है तब वही क्या कहलाएगा अनसैचुरेटेड। अब ये बताओ खुशबू कि ये तुम्हारा सैचुरेशन लेवल बता रहा है इसका मीनिंग यहाँ पर क्या बताया क्या इसका तात्पर्य क्या है इसका अर्थ क्या निकल रहा है। और ये कह रहा है कि सॉल्यूट के जो कंटेंट है सॉल्यूशन में उस सैचुरेशन लेवल से कम होनी चाहिए इसका मतलब क्या है। तो ध्यान दो अगर हम ऐसे सोचें कि ये हमारा था सॉल्वेंट और इस सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट यहाँ पर जब 30 ग्राम देते तो ये कहलाता सैचुरेशन। तब क्या कहलाता सैचुरेशन कब कहलाता जब 30 ग्राम लेते तब। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसमें आप मात्र 20 ग्राम लो जब 20 ग्राम लोगे तब तो ये तो घुला लेगा आसानी से। जब ये घुला लेगा तो अभी और भी हम इसको बाद में पुट करेंगे इसके अंदर सॉल्यूट तो क्या नहीं घुला पाएगा घुलाएगा ना क्योंकि इसकी लिमिट कितनी थी 30 ग्राम का। इसका मतलब है
कि 30 ग्राम इसका सेचुरेशन लेवल था। तो कहता है अगर उससे लेवल से, उस सेचुरेशन लेवल से अगर हम काम लेते हैं किसकी कंटेंट सॉल्यूट की, तब वही सॉल्यूशन तुम्हारा क्या कहला जाएगा, अनसेचुरेटेड। क्यों कहलाएगा कि अगर ये पूरा पूरा घुला लेता तो बाद में तो घुला नहीं सकता था, लेकिन कि अगर जितना इतना घुलाने की पावर है लेकिन हम उसको दे कितना रहते इतना ही, तब तो अभी और देंगे तो और तो घुला लेगा ना। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड। क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड, यानी कि जो सॉल्यूट की जो प्रेजेंस होनी चाहिए वो तुम्हारा सेचुरेशन लेवल से कम होनी चाहिए, तो वही क्या कहला जाएगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है? जैसे देखो लिखा हुआ है कि हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में कि 45 नहीं 55 ग्राम ऑफ साल्ट को सेचुरेशन लेवल बोले, ठीक है, कितना ग्राम हम लोग बुलाए थे 55 ग्राम, तो 55 ग्राम को यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेचुरेशन लेवल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर को क्या है, तो मात्र 45 ग्राम उसको डिजॉल्व किए, जब डिजॉल्व किए तो सच सॉल्यूशन सो फॉर्म इज कैपेबल टू डिजॉल्व इन मोर कॉमन सॉल्ट। कैसे, अभी मत बताओ, हम 55 ग्राम वो सॉल्यूशन सॉल्यूट को आसानी से वो घुला लेता, कितना घुला लेता 55 ग्राम को, लेकिन यहाँ पर हम उसको दिए मात्र 45, तो बताओ 45 के बाद अभी 10 ग्राम और भी तो घुला सकता है ना, ठीक है, घुला सकता है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड। कोई दिक्कत, बात समझ में अब आ गया होगा। सुपर सेचुरेटेड क्या होता है, अभी एक नया सा नाम आ गया कि सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। कहता है सॉल्यूशन विच कंटेन मोर ऑफ द सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड टू मेक अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहा कि एक सॉल्यूशन ऐसा है जो कंटेन कर रहा है ज्यादा ज्यादा अगर सॉल्यूट उसको चाहिए किसके लिए, सेचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए। बस बना, सेचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए अगर ज्यादा सॉल्यूट चाहिए, ज्यादा सॉल्यूट चाहिए, तब उसे वो क्या बोले हम लोग, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर कह दिया मतलब ज्यादा, सेचुरेटेड मतलब सेचुरेटेड ही चाहिए थी, तो सेचुरेटेड का मतलब ये था कि बाद में वो सॉल्यूशन में और सॉल्यूट नहीं घुल सके, तो जब तक घुल रहा था तब तक तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो सेचुरेटेड तो है, यानी लेवल पार कर गया, लेकिन ज्यादा की जरूरत उसमें पड़ गया। जैसे अब बताओ नींबू पानी अगर हम मान लो कि लेते हैं, क्या तुम जितना भी नींबू का रस डालते जाओगे तो वो तुम्हारा सॉल्यूट है, उसको कौन घुला लिया, पानी, तो बताओ जितना देंगे तो क्या वो नहीं रख सकता है, तो वो आपका किसका एग्जांपल आ जाएगा, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन का। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वो लगता है तुम लोग तो ये क्लियर हो रहा है। अच्छा एक और है, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। अब ये सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट है 100 ग्राम, उसमें कितना अमाउंट को सॉल्यूट को तुम उसमें घुला सकते हो, कितना सॉल्यूट घुल सकता है, अब कितना जल्दी घुल सकता है, अब एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, उसको क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। जैसे सोचो ऐसे कि हमारे पास हम सॉल्वेंट को सेम अमाउंट रखते हैं दोनों जगह, देखिए एक जगह हम टेम्परेचर लिए 10 डिग्री सेल्सियस और एक जगह टेम्परेचर हम ले लिए 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब समझ लो इसमें हम मान लो कि हम साल्ट को घुलाना चाहते हैं और इसमें मान लो कि हमें 15 ग्राम भी घुल पा रहा है, और ये जैसे टेम्परेचर हम इतना बढ़ा दिए अब ये कितना घुला पा रहा है, 55 ग्राम को। अब तुम बताओ कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों ऐसा, टेम्परेचर के बढ़ने से, तो जब टेम्परेचर बढ़ती है ना तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो मतलब ये कहने का मतलब इसमें कि कितना अमाउंट का सॉल्यूट का कितना अमाउंट उसमें हम डिजॉल्व कर पा रहे हैं, किसमें, वाटर में 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, वही कहलाता है किसका, सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी पूछेंगे कि किसका निकलता है, जो घुलता है उसका कि जो घुलाता है उसका, तो घुलता है उसका सॉल्युबिलिटी निकलता है, याद रख लो, जो घुलता है उसका क्या निकलता है, सॉल्युबिलिटी, याद रखो, क्या बोलो, सॉल्युबिलिटी किसका निकलता है, जो घुलता है उसको क्या निकलता है, सॉल्युबिलिटी, जो घुलता है उसको क्या निकलता है, सॉल्युबिलिटी, फिर से बोलो, जो घुलता है उसको क्या निकलता है, जो घुलता है उसको क्या निकलता है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो घुलता कौन है, सॉल्वेंट या सॉल्यूट, कौन घुलता है, बोलो, कनिष्ठा
सॉलिड घुलता है और घुलाता कौन है? अब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्युबिलिटी बन जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, घुलता है सॉल्यूट, घुलाता है सॉल्वेंट, दोनों को मिला देंगे क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, अब बताओ तुम कि अलॉय क्या कहते हैं किसको? जरूरी के मेटल से सही है, मेटल भी सही है। ठीक है, ऐसी अलॉय मतलब धातु, मिश्र धातु कराता थोड़ा हम तुरंत घर में गलती कर लेते हैं, मतलब एक बार हम बोले उसको डिस्कार्ड कर देंगे तो तुरंत तुमको तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना हो? क्या तुम कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था, मतलब ए जो भी अगर बोलो, अगर सच्चाई हम तुमसे कहेंगे कि मतलब 3,0 वाई एक्सिस पर लाई करना, क्या तुम लोग एग्री होगा? अच्छा तुम इसके बारे में पूरा पूरा जान रहे हो कि कहाँ पर लाई करेगा? सच में एक सेक्शन पर करेगा? और जब एक सेक्शन पर जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस है एक सेक्शन पर, तुरंत तुम काट वाले ना वाई एक्सिस पर, तो समझ लो कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट की कमी है असल में। तो ये आप ऐसे इधर दिख रहा है, हमको लगता है कैमरा तुम्हें हिला हिला चुके हैं मैंने करो सुना इधर यहाँ पे आ रहा है, ये हम लिख रहा आ रहा है इधर आ रहा है जो तुम पूरा हिला दिया दोनों के ऊपर देखेंगे देखेंगे जी इधर देखो इधर भी देखो दोनों तरफ देखना है हम इतना ठीक है ना आ नहीं रहा है दोनों हम ही आ रहे हैं और यहाँ तक आ रहे दोनों हाथ कैसे कर रहे तो यहाँ तक आ रहे हैं यहाँ तक हाँ तो ठीक है उधर तो ऐसे लिखा हुआ नहीं है ना मतलब कोचिंग का प्रचार है कोई लोग ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहता आ सकता है चल स्टार्ट अब आगे देखते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है बताओ किसका सॉल्युबिलिटी डिफाइन होगा सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का किसका या तो किसका होगा सॉल्यूट का याद रखो सॉल्यूट बताओ सॉल्यूट बताओ घुलता है घुलाता है कोई दिक्कत नहीं ना आता है आगे बढ़े टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा ये चीज बढ़ सकता है सॉल्युबिलिटी बढ़ सकता है अब समझते हैं कि कुछ सब्सटेंस है जो कि आपका सॉल्यूट के रूप में ठीक है कुछ सब्सटेंस है सॉल्यूट के रूप में है उसका सॉल्युबिलिटी पूछा जा रहा है कितना पर सॉल्युबिलिटी पूछा जा रहा है 20 सेल्सियस पे तो बताओ यहाँ पर वाटर हम कितना ग्राम लेंगे 100 ग्राम कितना ग्राम लेंगे 100 ग्राम यानी 100 ग्राम वाटर क्यों लेंगे तो पहले डेफिनेशन में मेंशन कर दिया कि आपके जो सॉल्वेंट होने चाहिए वो 100 ग्राम होना चाहिए जो 100 ग्राम होगा तो उसी में और टेम्परेचर को फिक्स तो यहाँ पर टेम्परेचर को फिक्स लिया अब आपका कहा कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो तुम्हारा है CuSO4 इसका कितना सॉल्युबिलिटी होगा तो इसका मात्र 21 ग्राम ही घुल सकता है अगर 21 ग्राम घुल जाएगा तो क्या हो जाएगा सैचुरेटेड क्या हो जाएगा सैचुरेटेड अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब तो सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है ना लेकिन हमें टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है तब इसका कहेंगे कि CuSO4 तुम्हारा कितना हो गया यानी कॉपर सल्फेट उस प्रकार से पोटेशियम नाइट्रेट है वो तुम्हारा कितना मिलेगा 32 ग्राम क्या मिलेगा 32 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड कितना होगा तो 34 ग्राम 34 ग्राम जो है ना ये वाला इसका ठीक है सोडियम क्लोराइड ये कितना होगा 36 ग्राम आप इसको फिर अमोनिया क्लोराइड कितना हो जाएगा 37 ये सब याद करना नहीं रहता है और ये सबसे ज्यादा कौन भूल रहा है जितना पानी है ना उससे ज्यादा कौन भूल जाएगा चीनी है ना अब बताओ इसमें कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा हो जाएगी चीनी का हो जाएगा ना जी कैसे तो बताओ अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं ऐसे भी निकालता है सॉल्यूट का और सॉल्यूट का मास ऊपर में और सॉल्यूशन का मास नीचे और मल्टीप्लाई में हाइड्रेट ठीक है ऐसे करके हम दो फॉर्मूला पढ़े थे बताओ तो कुछ वो दोनों फॉर्मूला में कौन कौन था बोलो दो फॉर्मूला पढ़े थे कि एक था सॉलिड का ही दोनों निकालते थे परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो बताओ कौन कौन सा फॉर्मूला मास बाय सॉल्यूट हाँ तुम बताओ जी दो फॉर्मूला तुम दोनों बताओ दोनों फॉर्मूला बताओ खड़े हो मास बाय सॉल्यूट घर पर जाकर क्या वीडियो देखे थे नेट नहीं था शॉर्ट वीडियो देख रहा था
इंस्टाग्राम चलाने के लिए आया है, नहीं चलाते हो तो शॉर्ट वीडियो देखा था ना, सबनेट खत्म कर दे, उड़ा दिया। अरे ठीक है, तो जाकर के उसको पीडीएफ तो तुम्हारे पास भेज चुके हैं, पीडीएफ ग्रुप में डाला है ना, तो क्या तुमने इसको लिखा हो, नोट्स बना रहे हो? नोट्स नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो बता, वैसे फालतू अंदर बोल रहे हैं, बताओ। पीडीएफ हम ग्रुप में भेज चुके हैं, इसका जा करके नोट्स बना लोगे ना, तब तुम्हें केमिस्ट्री का ये चैप्टर है इससे ज्यादा बुक में थोड़ा रहेगा, इससे बुक में कम रहेगा, इस यही जो आप पढ़ा रहे हो ये है, अरे ये तो रहेगा ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। क्या इसको से नोट्स बनाएंगे तो बुक पर नोट्स नहीं बन जाएगा? बन जाएगा आसानी से, तो क्यों ना हम इसको पर नोट्स बना लेंगे, जब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं तब बुक के जैसा, अगर हम बुक लेकर पढ़ाते तो क्या घाटा होता? देखो बुक, देखो अब बुक लेकर हम आलो पढ़ाते तो क्या होता, ऐसे कहते हम यहाँ ले देते और तुम लोग वहाँ पर लेके रखता, तैसे बोलते हम जब, तो यार तो नीचे देखता समझाने लगते तो ऊपर देखता, तो बार बार नीचे मुड़ी करते रहता, तो एक समय जरूर ऐसा होता कि जब समझा रहे होंगे तभी तुम्हारा ध्यान कहाँ होगा, नीचे, तो क्या उतना समझ में आएगा जितना हम यहाँ पर समझ रहे हैं? कभी तुम्हारा बुक ही डायरेक्ट कहाँ खुल रहा है, इसके पास खुल रहा है, तो फिर क्या जरूरत है? इतना तुम लोग को यार प्रेफरेंस देकर करते होमवर्क, बताओ अभी छुट्टी चल रहा है स्कूल में, फिर भी तुम कर सकते थे, लेकिन नहीं कुछ बनाया, सिवाय तुम भी लग गया, क्या तुम बनाए नोट्स कॉपी? तुम इसका कंप्लेन तुम्हारे आज करते हैं, करता तुम बनाई हो, तुम नहीं बना लेगी अभी नहीं, तुम हाँ तुमने पूछे वहाँ देखे कॉपी निकल गया है, हाँ तो पता है कॉपी निकल गया है, इतना वो भरोसा है। कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जिनको बोलने से पहले ही पता चल जाता है कि नहीं ये कम्प्लीट होगा, तो फिर क्यों पूछना? देखो क्या था, दो फार्मूला था, ऊपर एक बार मास बाई मास था और एक बार था मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, मास बाई मास, मास में मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन और इन टू में सॉल्ट। अब एक बार मास ऑफ वॉल्यूम था, उसमें मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाई 100, ये दो तरह से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकाले थे सॉल्यूट का, किसमें? सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसी के बाद आया था ना ये सब, तो ये सब तो याद रखेंगे, ठीक है। देखो अब जैसे फॉर्मूला कुछ कुछ याद रखना, अगर तुम्हारा कॉपर सल्फेट बोलेगा तो CuSO4 और इसको कहेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम क्लोराइड बोलेगा तो मिलेगा क्या PCl5, पोटेशियम सॉरी KCl मिलेगा, क्या मिलेगा KCl, बस इतना ही मिलेगा। सोडियम क्लोराइड बोलेगा तो NaCl मिलेगा, अमोनिया क्लोराइड मिलेगा AlCl3 मिलेगा, ठीक है, शुगर मिलेगा C12 H22 और O11, इतना तुम्हारा ये चीज मिलने वाला है, ठीक है, इस सब को याद रखना, ये सब कहीं की नोट्स कर लेना, क्योंकि तुम्हारे पास ये जो PDF में नहीं होगा, ठीक है, तो कॉपी तुम्हारे पास होगा ना, वापस नोट्स कर लो, या तो घर जाकर के इसको वीडियो देखते हो उस पर क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के लिख देना, याद रखना CuSO4 बोलो दो बार मेरे साथ, CuSO4 बोलो, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जोर से ताकत नहीं है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, शुगर, ऐसे बोलो ना C12H22O11, बोलो C12H22O11, जल्दी बोलो C12H22O11, CuSO4 किसका है? CuSO4 किसका है? कॉपर सल्फेट। CuSO4 किसका है? कॉपर सल्फेट। CuSO4 किसका है? कॉपर सल्फेट। तो इतना बड़ा बड़ा जो क्लासेस चलता है सुपर टेटी सर, उसमें पढ़ाते सब रखते हैं लोग और आप लोग शर्माती है? नहीं,
नहीं ना बोलना है ना। मैं देखो हंस रही थी, अब देखो के ए एन ओ थ्री किसका था? पोटेशियम नाइट्रेट। के एन ओ थ्री किसका था? पोटेशियम नाइट्रेट। के एन ओ थ्री पोटेशियम नाइट्रेट। के एन ओ थ्री पोटेशियम नाइट्रेट। के एन ओ थ्री पोटेशियम नाइट्रेट। एसीएल पोटेशियम क्लोराइड। एसीएल पोटेशियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड एनएसएल। एनएसएल सोडियम क्लोराइड एनएसएल। अमोनियम क्लोराइड एचसीएल। शुगर सीएल। अगर नहीं रहता C6H11O6 ये किसका रहता? ग्लूकोज या तो फ्रुक्टोज। ग्लूकोज या तो फ्रुक्टोज ये दोनों जो बनते हैं ना वो दोनों बनता है किससे? दोनों किससे बनता है? जो बनता है दोनों ग्लूकोज से, शुगर से। शुगर से दोनों टूट करके बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बोलो। चलो नेक्स्ट अब आते हैं सस्पेंशन। अब ये सस्पेंशन समझाते हैं क्या होता है। हाँ देख कर इसको किसी को लिखना था लिख लिए। देखो सस्पेंशन, सस्पेंशन ऐसा होता है कि एयर में या हर एक जगह वो चीज बस वो पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन, रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो यहाँ पर क्या रहता है ना वो मौजूद रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। ठीक है, तो कहते हैं सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होगा? हेट्रोजीनियस, क्योंकि हर जगह पर एक जैसा नहीं दिखेगा। जैसे अगर मान लो ह्यूमिडिटी यहाँ पर है गैस, या तो गैस प्रेजेंट है, यहाँ जितना ह्यूमिडिटी होगी क्या ह्यूमिडिटी बाहर में होगी? नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि हर जगह पर सस्पेंशन एक जगह पर नहीं, और इसी को मिक्सर को क्या बोलते थे? हेट्रोजीनियस मिक्सर। कि अगर सब जगह पर अमाउंट यानी कि जो मिक्सर का कंपोनेंट्स का एक समान ना दिखता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस क्या होता है? सब जगह पर एक। तो बताओ नींबू पानी होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस। और तुम्हारा जो कचरा वाला था वो किसका था? हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो क्या था? सस्पेंशन भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है। In which the small particle of solid are spread throughout the liquid without dissolving in it. आगे ना क्या बोले कि बिना ये रिएक्शन, बिना डिजॉल्व ये क्या रहता है कि सॉलिड के फॉर्म में होगा और वो हर जगह पर प्रेजेंट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर जगह पर हो। ठीक है, जैसे कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, तो उसी को तो बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस तो मिक्सर है, हेट्रोजीनियस मिक्सर तो है, लेकिन कहता ये कैसा फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। और ये बहुत बड़ा बड़ा पार्टिकल रहेगा तो दिख ना जाएगा। जैसे बता वाटर का कुछ ड्रॉपलेट क्या यहाँ पर एयर में प्रेजेंट नहीं है? अगर प्रेजेंट तो ये भी एक प्रकार का हम कह सकते थे कि सस्पेंशन है। लेकिन अगर हम ऐसे कहें कि हवा में जब धूल कण उड़ती है, जब देखते हो ना कि गाड़ी कितना स्पीड चलती है तो रोड पे पूरा धूल उड़ता है, अगर वो उड़े टाइम देखना तो फिर गड़बड़ा जाएगा वो, बंद हो जाएगा, है ना? लिखा हुआ कितना मिनट बच रहा है? अब सोचो कि जैसे अब तक जब डस्ट उड़ता है, जब डस्ट उड़ता है तो उस दौरान क्या होता है कि हवा में यानी एयर में क्या उड़ रहा है? डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट पार्टिकल में छोटा छोटा पार्टिकल होगा। अब वो छोटा छोटा पार्टिकल जो है सो वही क्या कहा जाएगा? सॉलिड का फॉर्म था, वही क्या कहा जाएगा? सस्पेंशन। ठीक है, क्या हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस होगा। तब ना अगर होमोजीनियस होता तो जहाँ पर गर्दा पड़ता है उसमें मुड़ी छिपा करके कहीं और निकल जाता। अगर होमोजीनियस होता तो कहीं भी मुड़ी छिपा ले क्या वो छिपते? मैं ना हेट्रोजीनियस था तब ना हम लोग जहाँ पर गर्दा उड़ता उसे हम लोग बगल से निकल जाते। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और वह स्मॉल पार्टिकल होता है सॉलिड का जो स्प्रेड होता है थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट, अपने अंदर डिजॉल्व बिना लिक्विड में डिजॉल्व किए हुए और पूरे वो हर एक जगह पर पूरा फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो कहता है द पार्टिकल हैव अ टेंडेंसी टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सॉल्वेंट। कहता है कि इसके बाद कहता है कि वो जो तुम्हारा सॉल्यूट जो था यानी कि वो सस्पेंशन था जो स्मॉल पार्टिकल था सॉल्यूट का, ठीक है, मतलब सॉलिड का, जब उसको डिजॉल्व करना चाहते हैं कहाँ पर? वाटर में, तो बेचारा तो डिजॉल्व हो नहीं पाता है। जब डिजॉल्व नहीं होगा तो धीरे धीरे वो कहाँ बैठ जाएगा? बॉटम पे। जो बॉटम पर बैठा हुआ जो सॉलिड पार्टिकल दिख रहा था ना
वही क्या कहलाएगा तुम्हारा सस्पेंस। और उसको अगर हम लोग फिल्ट्रेशन पेपर पर अगर उसको छानेंगे ना तो क्या हो जाएगा, छन आ जाएगा। लेकिन छोटा पार्टिकल हो सकता है कि निकल जाए, ठीक है, लेकिन बड़ा वाला पार्टिकल क्या हो जाएगा, छन आ जाएगा। तो एंड कैन बी फिल्ट्रेटेड आउट, हम उसे क्या कर सकते हैं, फिल्टर करके बाहर निकाल देंगे। जैसे सोचो कि जब हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती घुलती है क्या, नहीं ना, जो भी इसको से निकलना तो निकल गया, लेकिन चाय पत्ती का जो निकला हुआ जो रहता है ना उसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, छन्नी से छान करके बाहर निकाल लेते हैं। और अगर हम लोग बहुत देर तक बाद देखें, जब चाय ठंडी हो जाए तब देखते हैं कि वो जो चाय पत्ती का जो दाना था वो कहाँ बैठा रहता है, उसके बॉटम पर। तो बताओ जो चाय पत्ती का जो दाना था वो क्या, किसका एग्जाम्पल होगा, सस्पेंशन का होगा ना। वो दिक्कत है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या तुम्हारा चीनी सस्पेंशन का एग्जाम्पल था, वो भी सॉलिड था लेकिन उसने वो क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया पूरे वाटर, इसलिए वो सस्पेंशन ना होकर के होमोजेनियस मिक्सचर कहला जाता है। कोई दिक्कत, बस में मारा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में चॉक वाटर मिक्सचर, अगर हमारे पास चॉक को क्या करते हैं, पूरा पूरा छोड़ देते हैं और उसको वाटर में मिला देते हैं, अब क्या तुम्हारा चॉक उसमें रिएक्शन करेगा, नहीं, भूरा हुआ रहेगा, उजला उजला लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद पता चलेगा कि सारे चॉक कहाँ जाके बैठ गया, और वो था उधर छोटा छोटा पार्टिकल था, जब उसको छानेंगे ना तो चॉक वाला पार्टिकल कुछ तो नीचे जाएगा, कुछ नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो उजला जो हुआ ना वो किसके वजह से हुआ था, चॉक की वजह से। तो क्या तुम उसको छानने के बाद वो क्या मिलेगा, क्या वो पूरा पूरा पानी बन जाएगा, नहीं, उसमें क्या हो जाएगा, चॉक का अंश थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन मैक्सिमम क्या हो जाएगा, चॉक बाहर छन आ जाएगा, ठीक है। कहता है इज ए सस्पेंशन ऑफ ए फाइन चॉक पार्टिकल इन वाटर। फिर कहता है मडी वाटर, मडी मतलब समझते हो कीचड़ वाटर, किचड़ वाला वाटर में भी तुम्हारा किचड़ क्या होगा, सॉइल का जो पार्टिकल्स होगा वो भी तुम्हारा सस्पेंशन होगा। क्या सॉइल पार्टिकल घुलता है, हाँ, घुलने के बाद पानी को किदौरा कर देगा, पूरा खत्म कर देगा, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा कभी नहीं कुछ नहीं, ये भी तुम्हारा टेंशन नहीं लो, अगर लिखोगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा जो समझने वाला एबिलिटी थी खत्म हो जाएगा। घर पर एक बार और से देखना पड़ेगा, तो क्या जितना चीज यहाँ तुम सामने में पढ़ पा रहे हो क्या घर पर उतना क्लियरली हो पाएगा, नहीं हुआ, ध्यान रहता है मोबाइल पर, नहीं थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, है ना, मोबाइल में इंस्टाग्राम हो गया, प्यास लगेगा ज़्यादा, भूख लगेगा ज़्यादा, अगर फ्रिज में कुछ है ना रखा है ज़्यादा देख कर और भूख लगती है। ये सब घर की बातें होती है, यहाँ पर तो कोई चीज़ मिलेगा नहीं, यहाँ तक पानी के एक बूंद भी तक नहीं देते, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा क्या आ गया, तो बस कहाँ पर ध्यान रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ठीक है, छे ना आसमान जाती हो, जाती होगी पार्टी में, आराम पूरा टूट पड़ती हो किस पर, छे ना परी, अरे छे ना आसमान, रसगुल्ला, बड़ा सारी नजर आ रही, सारी नजर आ रही कितने हाथ नजर आ रही, इससे क्या, अच्छा आसमान में रहती थी, तो वहाँ पर क्या उसको बोलते थे, देखो ये कट गया, चलो खैर आज का इतना ही रहने देते हैं, अब थोड़ा सा मैथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, वीडियोस को पॉज करके ऑफ करो, ऑफ करो, ठीक है।